दोस्तों बहुत सारे मैसेज कॉल्स मेरे पास आते रहते हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चन लोग पूछते हैं। एक क्वेश्चन कि जब कोई इज्जत ना करे, रिस्पेक्ट ना दे हमको, हमारी बेइज्जती करे, है ना, तब क्या करें, तब हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारे मित्र पूछते हैं कि जी हमारी ना कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, स्कूल कॉलेज में कहीं भी जाते हैं हमें कोई भाव देता ही नहीं है, तो क्या करें। देखिए दोस्तों, मैं हमेशा जिस भी क्वेश्चन का जवाब देता हूँ, मेरा एक ही उद्देश्य होता है कि आपको भी उस जो आपको समस्या प्रतीत हो रही है ना, जो आपको लग रहा है कि इस प्रॉब्लम है ज़िंदगी में, उसकी गहराई में लेकर जाऊँ। क्योंकि दोस्तों मैंने देखा है जीवन में असल में दिक्कतें होती ही नहीं है, दिक्कतें हमें मालूम पड़ती हैं क्योंकि हम हर चीज़ को ऊपर ऊपर से देखते हैं, उसकी गहराई में जाकर देखते ही नहीं है, सरफेस सरफेस से हम हर चीज़ को देखते हैं, तो हमको लगता है कि ये दिक्कतें हैं। बट दोस्तों अगर ज़िंदगी में आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर लग रही है ना कि ये दिक्कत है, तो आपको उसकी डीपनेस में, गहराई में जाने की ज़रूरत है। जैसे जैसे दोस्तों आप कोई भी समस्या की गहराई में जाओगे ना, आप देखोगे कि धीरे धीरे वो समस्या ही ख़त्म हो रही है। अब गहराई में जाने का क्या अर्थ है कि उसके अर्थ को निकालो। अब जैसे ये दिक्कत लेते हैं हम कि जब कोई रिस्पेक्ट नहीं करता तो क्या करें जी, बहुत सारे मित्र पूछते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि हमें क्यों चाहिए किसी से रिस्पेक्ट, सही बात है ना, हम क्यों किसी से रिस्पेक्ट चाहते हैं, हम क्यों चाहते हैं कि सब हमारी रिस्पेक्ट करें। देखो कर रहे हैं अच्छी बात है, देखो इसका मतलब है कि कोई रिस्पेक्ट करेगा तभी आप खुश होगे, है ना, जाने कि आपकी खुशी का रिमोट दूसरों के हाथ में है, तो क्या बचा दोस्तों, है ना, जाने कि अगर कोई हमें रिस्पेक्ट देगा तो ही हम खुश होंगे, कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा तो हम दुखी होंगे। तो इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों, इसका अर्थ हुआ कि हमारी खुशी और दुख का रिमोट दूसरे के हाथ में, दूसरा बटन दबाएगा तो हम खुश हो जाएंगे, दूसरा बटन दबाएगा तो हम दुखी हो जाएंगे, ना, हम कठपुतली हो गए। तो दोस्तों हमें क्यों किसी के विचारों की कठपुतली बनना है। देखो अगर किसी ने मेरी प्रशंसा की, अरे भाई आप तो बहुत अच्छा बोलते हो, आप तो बहुत अच्छा लगते हो, है ना, इसका अर्थ हुआ दोस्तों कि उसने एक विचार दिया हमारे प्रति, है ना, और उस विचार को लेकर हम खुश हो रहे हैं, जानने कि हमारा अंदर का माहौल, हमारी खुशी और दुख दूसरों के विचारों पर डिपेंड है। नहीं दोस्तों देखो मैं ये नहीं कहता, ठीक है दोस्तों वो प्रशंसा करता है ना, अच्छी बात है, लेकिन उसके ऊपर ना आप डिपेंड मत हो जाओ, है ना, प्रशंसा का मोटिवेशन बना सकते हो, है ना, कि चलो इसने अच्छा बोला है तो, लेकिन उस पर इतना डिपेंड मत हो जाओ, क्योंकि दोस्तों अगर ज़्यादा ही डीप हो जाओगे ना, प्रशंसा को ही मोटिवेशन बना के बैठ जाओगे ना, तो कल को बेइज्जती आपको डीमोटिवेट भी कर देगी, है ना। तो दोस्तों जो भी आनंद, जो भी प्रेम, जो भी खुशी है वो अंदर से ही आएगी, इसलिए मैं कहता हूँ खुद पे काम करो, अपनी चेतना पे काम करो। जब तक आपका दुख सुख का रिमोट दूसरों के पास है तब तक आप गुलाम हो, है ना, जो गुलामी है दोस्तों। तो इसका जवाब यही है, जो भी मित्र पूछते हैं कि जब कोई इज्जत मान सम्मान ना दे तो क्या करें, मैं यही कहता हूँ दोस्तों करना क्या है, खुद पे काम करें, चीज़ों को समझें, है ना, खुद को समझने का प्रयास करते रहें ताकि हम दूसरों के गुलाम ना रहें, हमारी खुशी दूसरों पर डिपेंड ना रहें, अध्यात्म को समझें, हर चीज़ की गहराई में जाके देखें, खुशी इन पेड़ पौधों को फील करते करते हुए मिलेगी, है ना, अंदर से आएगी दोस्तों, खुशी हो आनंद हो सब कुछ बेहतर ही है, बस चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, खुद के साथ बैठने की ज़रूरत है। तो बाकी और सारे ऐसे ऐसे प्रश्न आते रहते हैं जो डेली लाइफ पर बेस्ड होते हैं ना, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं, उनके जवाब मैं धीरे धीरे आने वाली वीडियोज़ में आप सबको देता रहूँगा। फिर मिलते हैं दोस्तों कुछ नए दार्शनिक विचारों के साथ, प्रणाम सभी को।